गुड इवनिंग बच्चों, टुडे आई एम टीचिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। आपको मैंने एनवायरनमेंट के स्फीयर बताए थे। सबसे पहला कौन सा स्फीयर बताया था आपको? लिथोस्फीयर, जो लैंड को इंडिकेट कर रहा था। फिर हाइड्रोस्फीयर, ऑल वाटर बॉडीज आर प्रेजेंट इन हाइड्रोस्फीयर। देन एटमोस्फेयर, ऑल गैसेज आर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द बायोस्फीयर। ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, इवन प्लांट्स, एनिमल्स इन्वॉल्व इन बायोस्फेयर। बायो वर्ड्स ऑलवेज इंडिकेट टू द लाइफ, यानी कि जिनके जीवन है, जिनमें जीवन है वो सब बायोस्फेयर में है। अब आप देख रहे हो अपने आस पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो प्लांट्स तो प्रोड्यूसर है। तो बायोस्फीयर में टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया बायोस्फीयर को, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, वही उत्पादक कौन है, बनाता कौन है? ग्रीन प्लांट्स ओनली। ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में केवल ग्रीन प्लांट्स ही अपना फूड खुद बनाते हैं, इसे उनको ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं और वह प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं। वो किसको कंज्यूम करेंगे? प्लांट्स को। अब जो डायरेक्ट प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं वो हर्बीवोर्स, द एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और जो हर्बीवोर्स को भी खा लेते हैं वो कार्निवोर्स, द एनिमल्स दैट ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कार्निवोर्स। एंड ओमनिवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आल्सो, वो दोनों को खा लेते हैं ओमनिवोर्स। आपने क्रो को देखा है ना, कौवा को, वो देखो उसे कोई रेट मिल जाए चूहा उसे भी खा लेगा, रोटी भी। बिल्ली को देखा ना, चूहा वो खा लेगी और रोटी भी, वो भी दूध भी पी जाएगी। आपने डॉग को देखा है, डॉग भी किसी का फ्लैश भी खा लेगा, मीट भी खा लेता है और रोटी भी खा लेता है। तो ये कौन से ग्रुप में आएंगे? ओमनिवोर्स, ठीक है। अब नाउ आई विल टेल यू अबाउट द इकोसिस्टम। अब इन प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है, ठीक है, उस वो किस में पढ़ेंगे हम? इकोसिस्टम में। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स एंड ऑन ईच अदर। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर डिपेंड नहीं है या प्लांट्स हम पर डिपेंड नहीं है, सभी एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड्स है। तो ये जो इनकी इंटर रिलेशनशिप है, जो इंटरडिपेंडेंस है, ये टूगेदर कंस्टिट्यूएंट एन इको सिस्टम। अब यू कैन से दैट इंटरनल रिलेशनशिप या इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद ईच अदर इज कॉल्ड इको सिस्टम। ओके, अब नाउ आई विल टेल यू अबाउट ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन जो है, ह्यूमन बींग्स तो इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोस्फीयर का। ह्यूमन्स आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु हैव चेंज कंसियसली द एनवायरनमेंट टू शूट देयर नीड्स। केवल आप ऑब्जर्व करो ना, तो केवल ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट को अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर रहे हैं। बाकी आप किसी भी एनिमल्स को ऑब्जर्व करो, उन्हें बेचारों को जो नेचर से मिल जाएगा उसको खा लेंगे, जो नेचर से पानी मिल जाएगा उसे पी लेंगे, लेकिन ह्यूमन बींग्स को ऐसा मतलब ही नहीं है। वो ग्रो करेगा, वो खुदाई करेगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी इन्वायरमेंट में चेंज करेगा, पर उसके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। अब आजकल मॉडर्न मैन को देखिए, पहले तो क्या था, जो आदि मानव था, आज प्रिमिटिव मैन था, वो तो क्या था, कैसा था? फूड गैदरिंग पर्सन था। वो जंगल जंगल घूमता, अपने फूड इकट्ठा कर लेता, थोड़ा बहुत उसे खा लेता, फिर जंगल जंगल घूमने चल देता। लेकिन आज का मॉडर्न मैन क्या ऐसा है? नहीं, आज का नहीं है। उसने तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को चेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। फार्मिंग कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, यानी कि खान लगा रहे हैं, और लंबरिंग होता है एक तरह से, टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए प्लांट्स को काट रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चला रखे हैं, जंगल काट रहे हैं, डिफॉरेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट दिख भी रहा है, उसका रिजल्ट आप देख रहे हो कि जो एनवायरमेंट कंडीशन है ना, वो चेंज होती जा रही है। बेमौसम बारिश होती जा रही है, गर्मियों में गर्मी नहीं होने लगी है, सर्दी लेट होती है तो कम होती है, यानी कि सब कुछ क्या कौन कर रहा है चेंज? इसको ह्यूमन, किस लिए? अपनी नीड्स को या अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन एनवायरमेंट क्या है और वो किस तरह से चेंज कर रहा है नेचुरल एनवायरमेंट को। ओके बेटे, इसके क्वेश्चन आंसर में व्हाट्सएप